विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए पिपराइज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह और बांसगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विमलेश पासवान ने कलेक्टर परिसर के न्यायालय में नामांकन किया, जिसके संबंध में पिपराइज विधानसभा के प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि योगी सरकार 5 साल तक जो काम की है हम उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश बीमार प्रदेश था, अब जाकर स्वस्थ उत्तर प्रदेश बना है। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो एक अच्छा माहौल बना है वह पुनः 2022 में यह जनता उस माहौल को भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर सरकार बनाएगी और पिपराइज विधानसभा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पिपराइज से चुनाव जीत करके योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करेंगे। इस अवसर पर बांसगांव विधानसभा के प्रत्याशी विमलेश पासवान ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने 5 साल में एक नया प्रदेश, एक नया माहौल और सुशासन व्यवस्था दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइज विधानसभा के प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह तथा बांसगांव विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर विमलेश पासवान ने कहा, यहाँ हमारा कोई मजिस्ट्रेट नहीं लगा है क्या? कहाँ भैया नीचे करिए, पहचान में आना है पब्लिक के, मुझे नीचे आना है, बाद में गए। सभी लोगों को नमस्कार। ये 10 मार्च को फोटो छपेगी। संवाददाता भाइयों को मेरा प्रणाम और बसंत पंचमी की शुभकामना। आज हमारे लिए बड़ा विशेष दिन है और मेरे सेवा के क्रम में मेरे जीवन का ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि मैं बांसगांव विधानसभा क्षेत्र से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और मुझ पर अपना भरोसा दोबारा जिताया क्षेत्र की सेवा के लिए। ये निश्चित तौर पर भारत माँ के प्रति जो हम लोगों ने सेवा भाव दिखाई है एक शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, ये हमें एक प्रेरणा देगा और ये नामांकन प्रशस्त करेगा जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पिछले 5 साल में कार्य कर करके एक नया प्रदेश, एक नया माहौल, एक सुशासन युक्त व्यवस्था जो दिया है, ये नामांकन मेरा जो है उसको एक दशा देगा, दिशा देगा और हम सब एक नेतृत्व में काम कर रहे हैं और ये जो मॉडल है सुशासन का और स्वच्छ प्रशासन का, ये निश्चित तौर पर ये हमें मार्गदर्शित करता रहेगा कि हम आगे और अच्छा कर सकें। देखिए, भ्राताश्री के सांसद रहते जो भी कार्य जो केंद्र से होने चाहिए थे, केंद्र में जब सत्ता मिली भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी उसके सेवक बने, तो देखिए जो है जो भी अपेक्षित बहुआयामी जो प्रोजेक्ट्स थे वो सब जो है समय पर चालू हो पाए। और अब अच्छी बात यह है कि मेरे कार्यकाल के खत्म होते होते जो है NH-29 भी बन गया और मैं जब बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में पहली बार जब टिकट लेके भारतीय जनता पार्टी का जनता जनार्दन के बीच में गया था तो मैं जितने भी मुद्दे और जितने भी मांगे मैंने मतलब मेरे सामने आई थी और जो मैंने वादे जो मैंने किए थे, हर्ष का क्षण है और हर्ष का विषय है कि मैं अपने कार्यकाल में सभी अक्षरत्व पूरा कर पाया, चाहे वो कुशवासी क्षेत्र में चंदा घाट का पुल हो, चाहे जो है सारे हमारे ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में बसने वाले लोग हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने की बात हो, चाहे जो है हमारे सारे जो तहसील से मार्ग जाते जो सिंगल लेन है, जैसे कौड़ीराम है, कौड़ीराम से बांसगांव 2 लेन हो गया, कौड़ीराम से गोला मार्ग सिंगल लेन था वो 2 लेन हो गया, फिर बांसगांव तहसील मुख्यालय से जो हमारे मलहमपुर रोड जाता है वो 2 लेन हो गया, फिर बांसगांव तहसील मुख्यालय से जो रुद्रपुर खजनी मार्ग जाता है वो 2 लेन हो गया और बांसगांव कौड़ीराम से जो गजपुर रोड जाता है भी 2 लेन हो गया। इसका कार्य जो है शीघ्र प्रारंभ होगा और उससे पूर्व जो जब हमारे बांसगांव में जब घुसते देवरिया से सीयर
चौक और चौक से जब गगहा जाते हुए टूलन हो गया तो एक नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का एक नया बांस गांव है। अब मुझे खुशी है कि मैं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कर पाया, क्योंकि देखिए विकास का कोई विकल्प नहीं होता है और जो व्यवस्था और जो प्रशासन सुशासन हम लोगों ने जनता जनार्दन के आशीर्वाद से योगी जी के नेतृत्व में दिया, निश्चित तौर पर जनता किसी और के बारे में नहीं सोचेगी, बिल्कुल नहीं। और जो है साइकिल पंचर होगी, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बांस गांव का जन जन सभी लोग, सभी हमारे देवतुल मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करने के लिए और जो आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं और जो है मुझे आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है। मुद्दा तो हम लोग विकास को लेकर जाएंगे, सुशासन को लेकर के जाएंगे और हमारी सरकार जो जीरो टॉलरेंस पर पूरे 5 साल जो काम की है हम उस पर जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि विकास के मुद्दे पर, विकास उत्तर प्रदेश तो बीमारू प्रदेश था ना, अब तो उत्तम प्रदेश बना है। पूरे प्रदेश में जो है एक अच्छा जो माहौल बना है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वह पुनः 2022 में ये जनता उस माहौल को देखते हुए पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और पिपराइज विधानसभा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम सब पुनः 2022 में पिपराइज से चुनाव जीत करके योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को हम सब मजबूत करेंगे। देखिए युवा हमारे देश के भविष्य हैं और आज युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारी पार्टी भी युवाओं के साथ है। उनके भविष्य को लेकर के हमारी भी सरकार नए नए जो तमाम जो नौकरी भी जो है उनको हमारी सरकार में भर्तियां भी हुई हैं और अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ पर हमारे कार्य हो रहे हैं। अभी यहाँ गोरखपुर में फर्टिलाइज़र में आपने देखा होगा कि सैनिक विद्यालय भी बने हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये बच्चे आगे आएँ, पढ़ लिख करके देश में अपना योगदान दें।